पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनसभा को किया संबोधित, कहा केवल 10 वर्षों में भारत की साख और हैसियत बहुत बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक हो रही है। पहली बैठक में केंद्र और सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर चर्चा की गई। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर होना है मतदान। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा। आज हेमा मालिनी के समर्थन में सीएम योगी करेंगे जनसभा। संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित, दिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाए गए थे। संजय बोले बड़ा फैसला लूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव बल्लभ भाजपा में हुए शामिल, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, कहा कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने तीसरी बार मेरठ के प्रत्याशी को बदल दिया है। अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है, वो आज नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं अतुल प्रधान ने टिकट काटे जाने पर इस्तीफे की पेशकश की। बसपा ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मायावती के बाद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दूसरे और सतीश मिश्रा को तीसरे स्थान पर जगह दी गई। कांग्रेस ने सीतापुर सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस सीट से पूर्व मंत्री नकुल दुबे का टिकट कट गया है। सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा के पूर्व विधायक राकेश राठौर अब सीतापुर सीट चुनाव मैदान में होंगे। बागपत में सपा ने बदला प्रत्याशी, जाति समीकरण और ब्राह्मण वोटर्स को देखते हुए अखिलेश यादव ने अमरपाल शर्मा को दिया टिकट। सपा ने पहले जाट बिरादरी से अपने पुराने कार्यकर्ता मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। शामली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घर घर भेजी जा रही है चिट्ठियां, साथ ही त्योहार लोकतंत्र की दीवार टैगलाइन के साथ हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जांच तेज, जेल कर्मियों के बयान दर्ज। 28 मार्च को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से कस्टम विभाग के अफसरों को हिरासत में धक्का देकर भागे 29 तस्करों के मामले में एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम के 8 अफसरों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। हरदोई पिहानी मार्ग पर थाना कोतवाली देहात के ग्राम बरगवा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चों समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। लखनऊ में एलडीए ने 5 अवैध निर्माण सील किए। अलीगंज, इंदिरानगर व जानकीपुरम में चलाया गया अभियान, बिना नक्शा पास कराए बिना लिया गया कॉम्प्लेक्स और रो हाउस। माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी बनाई जाएगी। प्रवेश देते समय भरवाए जाने वाले आवेदन फॉर्म में ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरवाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय और व्यय दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 1,00,000 से 1,50,000 के करीब श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन पाने में लगभग 1 घंटे का लग रहा है इसमें। होली के बाद अब गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों का सफर राहत भरा बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने कुल 42 समर स्पेशल ट्रेन पटरी पर उतारने की तैयारी की है।